नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कुछ समय पहले ही हमारे भारत में हिजाब का विवाद शुरू हुआ था, जो कि अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी इस विवाद ने हड़कंप मचा रखा है। महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कहाँ से शुरू हुई थी यह कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। ईरान प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डेथ ऑफ 22 ईयर ओल्ड महसा अमीनी रिसेंटली डाइड इन कस्टडी इन ईरान। हर क्राइम, नॉट वेयरिंग अ हिजाब प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द सो कॉल्ड मोरालिटी। अब इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। ईरान की शहरों में तेरह सितंबर की रात को महसा अमीनी और उसका परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद ईरान के किर्गिस्तान से तेहरान आ रहे थे। तेहरान आते समय इन्हें रात हो चुकी थी और उसी वक्त पुलिस इन्हें रोकती है और इनसे पूछताछ करती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल पुलिस नहीं थी, ये ईरान की स्पेशल मॉरलिटी पुलिस थी। दरअसल ईरान में एक स्पेशल मॉरलिटी पुलिस को बनाया गया है, जिसका काम सिर्फ ये देखना है कि वहाँ की महिलाएँ अपने कपड़े और हिजाब ठीक से पहन रही हैं या नहीं। इनके रूल्स इतने सख्त हैं कि महिलाओं का हिजाब बहुत ही टाइट पहनना पड़ता है, उनका सिर पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए और बाल बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ईरान में एक पुलिस को सिर्फ यह काम दिया गया है कि महिला ठीक से कपड़े पहन रही हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ यही देखना है। महसा अमीनी जब अपने परिवार के साथ वापस आ रही थी तो इन्होंने हिजाब को ठीक से नहीं पहन रखा था। यह देखकर पुलिस इन्हें ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाती है। महसा के भाई कियारास पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनसे यह कह दिया जाता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है री एजुकेशन क्लास के लिए। अमीनी के भाई का कहना था कि जिस रूम में अमीनी से पूछताछ की जा रही थी, अचानक उसमें से अमीनी की चीखने की आवाज़ें आने लगी और फिर अचानक से पुलिस स्टेशन में एम्बुलेंस आती है और महसा अमीनी को चुपके से कासरा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। महसा अमीनी के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है और पुलिस के द्वारा मीडिया को बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक 22 साल की तंदुरुस्त लड़की को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। अमीनी के भाई कियारास का कहना है कि सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और हॉस्पिटल ले गए। अमीनी एकदम स्वस्थ थी, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। इसके बाद 15 सितंबर को महसा अमीनी कोमा में चली जाती हैं और 16 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ इस 1 घंटे में ही 22 साल की महसा अमीनी की जान चली जाती है और वो भी सिर्फ हिजाब ठीक से ना पहनने की वजह। जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका कहना है कि अमीनी को पुलिस की वैन में ले जाकर मारा पीटा गया। महसा के पिता अमजद का कहना है कि उनकी बेटी की डेथ पुलिस की पिटाई से ही हुई है। दूसरी तरफ ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस दावे को झूठा बताते हैं और कहते हैं कि अमीनी को पहले से ही कोई बीमारी थी और मोरालिटी पुलिस के पास कोई हथियार नहीं होते जिससे किसी को मारा जा सके। अब इसी कहानी में एंट्री होती है एक हैकर की, जो कि अपने आप को समाज सेवी बताता है। वो कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लीक करता है जिसमें महसा के ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, जिसमें दिखता है कि महसा के ब्रेन में फ्रैक्चर हुआ है। और इस सीटी स्कैन को देखकर हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इनके सीटी स्कैन को देखकर साफ पता चलता है कि इनके सिर पर कई बार मारा गया है। जब ये सीटी स्कैन मीडिया में वायरल होता है तो सरकार के सपोर्टर कहते हैं कि इनको देखकर पता चलता है कि महसा का बचपन में सिर का ऑपरेशन हुआ था और इन्हें कोई बीमारी थी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना था कि इनसे ये पता चलता है कि इनके सिर पर कई बार मारा गया है। अब इस सब के बीच एंट्री होती है एक बहादुर डॉक्टर हुसैन करमपुर की, जो कि टॉप मेडिकल सर्जन है। ये हॉस्पिटल के अंदर से महसा की कुछ पिक्चर्स पब्लिश करते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि महसा के सिर से खून निकल रहा था और ये कोई हार्ट अटैक नहीं था बल्कि इन्हें मारा पीटा गया था। डॉक्टर हुसैन ईरानी मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद रईस जादे को एक एप्लीकेशन लिखते हैं। सच्चाई के साथ बात करो और जनता के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाओ। इस सब से ईरान में मामला गर्मा जाता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। ये सब होता देख सरकार पुलिस स्टेशन की एक CCTV फुटेज पब्लिश करती है जिसमें दिखता है कि एक महिला जमीन पर गिर गई है। पुलिस कहती है कि आप देख सकते हो कि ये महिला महसा अमीनी है और ये हार्ट अटैक की वजह से गिर गई है। अमीनी का परिवार इस फुटेज को झूठा बताते हैं और कहते हैं कि और भी तो कैमरे हैं, उनकी फुटेज दिखाओ। पुलिस का कोर्टयार्ड में कैमरा है, कार में भी एक कैमरा है, उनकी फुटेज दिखाओ। इस पर पुलिस का कोई जवाब नहीं आता है। ईरान में जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इस पर ईरान के प्रेसिडेंट अमीनी के परिवार से फ़ोन पर बात करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि इस सब की इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल लेवल तक चला जाता है और यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन की मांग उठने लगती है। ईरान में भी कई महिलाएं ये कहने लगती हैं कि उनके साथ भी ये सब हुआ है
और मोरलिटी पुलिस उन्हें भी ले जाती है और मारती पीटती है। कुछ ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिनमें मोरलिटी पुलिस महिलाओं को मारती हुई दिखती है। इस सब के बाद ऐसी वीडियो भी वायरल होती हैं जिनमें महिला अपने बालों को काटते हुए और हिजाब को जलाते हुए दिखती हैं। वह नारे लगाती हैं कि उन्हें हिजाब से आज़ादी चाहिए। इस सब के बाद ईरान में दंगे शुरू हो जाते हैं। 100 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और 500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई लोग पुलिस फायरिंग में मारे जाते हैं। इस सब के बीच एंट्री होती है एनोनिमस हैकर ग्रुप की। ये ग्रुप ईरान की दो गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लेता है और एक वीडियो वायरल करता है और कहता है कि ईरान में ये जो वायलेंस हो रहा है ये अब से नहीं बल्कि कई सालों से हो रहा है, जिससे ईरान की महिलाएं परेशान हैं। मैसेज फ्रॉम एनोनिमस टू द डिक्टेटर इब्राहिम रईसी एंड द ईरान गवर्नमेंट। Violence against women is a cruelty that has been seen in Iran for years. Mahsa Amini is the last victim of the murderer Iranian state and the so-called morality police. अब अगर ईरान के इतिहास की बात करें तो शुरू से हिजाब पहनना कंपलसरी नहीं था। ईरान में साल 1979 से पहले ऐसा नहीं होता था। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है। इससे पहले ईरान पर मोहम्मद रजा का शासन था। वो एक पढ़े लिखे मॉडर्न सोच के राजा थे। उनके समय पर ईरान में बहुत विकास हुआ था। उन्होंने दो शादी को बंद कर दिया और शादी की उम्र 18 से बढ़ा दी गई। उनके टाइम पर ईरान में बहुत विकास भी हुआ, लेकिन यह सब 1979 के बाद बदल जाता है। रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक कानून पास होता है जिसमें लिखा जाता है कि ईरान में महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर सिर ढककर चलना पड़ेगा। इसके बाद इन कानूनों को महिलाएं विरोध करती हैं, ये कहते हुए कि हमने पिछड़ने के लिए रेवोल्यूशन नहीं किया था। ये प्रोटेस्ट एक बड़ा रूप ले लेता है और फिर एक कानून पास होता है जिसमें हिजाब को कंपलसरी कर दिया जाता है और इसके पहले जो मैरिज की एज बढ़ाई गई थी या दो शादी को बंद किया गया था उन कानूनों को ख़त्म कर दिया जाता है। हाल ही के ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने हिजाब के कानून को और कड़ा करते हुए कहा कि अब ईरान की महिलाओं को अपनी गर्दन और कंधों को भी हिजाब से ढकना होगा और अब वो हाई हील्स या स्टॉकिंग्स नहीं पहन सकेंगी। और इस सब को देखने के लिए मॉरलिटी पुलिस को बनाया गया। इससे पहले भी ईरान में हिजाब के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं भारत में भी कुछ समय पहले एक प्रोटेस्ट हुई थी जिसमें महिलाओं का कहना था कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं। वहीं ईरान की महिलाओं का कहना है कि वो हिजाब पहनना नहीं चाहती। अब देखना यह है कि जहाँ एक तरफ महिलाएं चांद तक पहुँच चुकी हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर महिलाओं ने अपना वजूद ना साबित किया हो, लेकिन फिर भी आज के समय में भी ईरान में महिलाओं पर इतने कड़े कानूनों को थोप दिया गया है जिसकी वजह से वहाँ की महिलाएं अपनी ज़िंदगी एक जेल की तरह बिता रही हैं और वो इस जेल से बाहर निकलना चाहती हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।